मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के विरोध में सड़कों पर उतरे सामाजिक संगठनों के लोग, निकाला कैंडल मार्च। मार्च बिहार में बेटियों पर बढ़ते अत्याचार और मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण किए जाने के विरोध में शुक्रवार की शाम शिवहर जिले के सामाजिक संगठनों व विभिन्न राजनीतिक दल के लोग सड़कों पर उतरे और कैंडल मार्च निकाल बच्चियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक संघर्षशील युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष आदित्य कुमार, मुकुंद प्रकाश, विक्की गुप्ता, रवि वर्मा, पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा, नगर पंचायत के अध्यक्ष अंशुमान नंदन सिंह, नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष विकास गुप्ता, दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष राधाकांत गुप्ता, जदयू नेता विजय विकास, राजद नेता रामचंद्र प्रसाद गुप्ता, पूर्व जिप सदस्य अजब लाल चौधरी, राजद नेता विश्वनाथ प्रसाद मधुकर सहित शहर के विभिन्न व्यावसायिक मंच के अध्यक्ष और विविध संगठनों के लोगों ने शिवहर सिनेमा हॉल चौक से कैंडल मार्च निकाला, जो मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शिवहर 0 माइल चौक पर पहुंचा, सभा में तब्दील हो गया, जहां लोगों ने पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। सभी ने एक स्वर में कहा, यह झकझोर देने वाली घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है, दोषियों को हर हाल में फांसी की सजा हो। बलात्कारियों को फांसी दो।